स्टेट में आने से पहले मैंडेटरी किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को जिस प्रकार पता है कि हमारे स्टेट में वैक्सीनेशन चल रहा है और अभी तक का हमारा परफॉर्मेंस वैक्सीनेशन में काफ़ी संतोषजनक है। हेल्थ केयर वर्कर्स में हमारा टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 48,000 था जिसका हम लोगों ने 92% को फर्स्ट डोज दे दिया है और सेकेंड डोज भी हम लोगों ने 82% लोगों को दे दिया है। उसी प्रकार से फील्ड लेवल वर्कर्स में हमारा टारगेट था 65,000 के आसपास, इसमें से 92% को हम लोगों ने दे दिया है और सेकेंड डोज भी हम लोगों ने 70% को दे दिया। आप लोगों को जानकारी होगी 24, 25, 26 को हम लोगों ने स्पेशल ड्राइव लेके 45 से अबव जिनका उन लोगों को हम लोगों ने वैक्सीनेशन दिया था। उस ड्राइव में हम लोगों ने आशा के थ्रू, वार्ड सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, वॉलंटियर्स के थ्रू पूरे स्टेट में लोगों को अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर साथ ही साथ में माननीय मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री उनकी तरफ से भी एक पर्सनलाइज्ड लेटर गया था सभी स्टेट के सभी परिवार को, जिसमें सभी से आग्रह किया गया था वैक्सीनेशन सेंटर में आके वैक्सीनेशन, और वो वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और उस 3 दिन के दौरान हम लोगों ने 2.26 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया था। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो प्रत्येक दिन हम लोगों ने उस 3 दिन में प्रत्येक दिन उन्होंने करीब 80,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया था। तो अभी का अगर वैक्सीन डोज देखा जाए तो स्टेट में 3 लाख डोसेज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 से 20 तारीख के बीच में 8 लाख एडिशनल डोसेज है। और आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि 1 अप्रैल के बाद से 45+ जितने लोग हैं सभी को वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबिलिटी है। पहले ऐसा था कि 45 से 60 साल के बीच में यदि कोई कोमॉर्बिडिटी होती है, शुगर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, तो वही लोग केवल एलिजिबल हुआ करते थे, लेकिन अभी 1 अप्रैल के बाद से 45 साल के ऊपर जितने लोग हैं वो सभी लोग एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो इसके लिए हम लोग दोबारा एक वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। चूँकि ये बीमारी अर्बन एरियाज में, कोविड इन्फेक्शन अर्बन एरियाज शहरी इलाकों में ज़्यादा होता है, तो इस बार हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र में ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके अलावा जितने इलाके हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स अपना रूटीन इम्यूनाइजेशन करते रहेंगे। तो इसमें हम लोग 9 और 10 तारीख को हम लोग स्पेशल ड्राइव ले रहे हैं, जिस दौरान पूरे अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में लगभग 50 के आसपास कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे और उसमें भी हम लोग अपने आशा कर्मी के द्वारा, वार्ड सेक्रेटरी के द्वारा माइकिंग और अलग अलग सोर्सेस से लोगों को मोबिलाइज कराएंगे अपने पास के वैक्सीनेशन सेंटर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे वैक्सीनेशन। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इलेक्शन डाटा के हिसाब से हमारा जो टारगेट है मोर देन 60 ईयर्स में आते हैं 3.98 लाख लोग, जिसमें हम लोगों ने 63.2% लोगों को कवर किया है। उसी प्रकार से इलेक्शन डाटा के हिसाब से 45-59 का जो हमारा पूरे स्टेट का टारगेट है 7.67 लाख, जिसको हम लोग फर्स्ट डोज 40% लोगों को कवर कर दिया है। तो जितना जल्दी हम लोग जो हमारा वल्नरेबल पॉपुलेशन है 45+, जितना जल्दी हम लोग 100% कवर करेंगे उतना अच्छा होगा हमारे राज्य के लिए। जैसा हम सभी लोगों को पता है कि सेकेंड वेव कई स्टेट में आ रहा है और बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन का रेट हमारे देश में और कई सारे स्टेट्स में बढ़ रहा है, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब। तो ज़रूरी है कि हम लोग भी इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रहें और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्पेशल ड्राइव में जो हम लोग AMC में करने वाले हैं लेकर आएँ और उनको वैक्सीनेट कराएँ। इसके साथ में ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर थे, जो हम लोगों ने पिछले साल काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने अपने स्टेट में, अपने शहर में फॉलो किया था, जैसे कि आपसी दूर
सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, फिर कोई सिम्टम अगर आता है तो हॉस्पिटल में जाकर फीवर या जुकाम आता है तो हॉस्पिटल में जाकर दिखाना, मास्क लगाना, इस प्रकार का भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए भी हम लोगों ने AMC क्षेत्र में माइकिंग शुरू करवा दिया है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी हम लोग इसको एनफोर्स कराने लगे हैं। प्रॉपर अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो फाइन का इम्पोजिशन हो रहा है। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने के लिए। और कल शाम से हम लोगों ने मार्केट एरियाज में जो पहले सैनिटाइजेशन करते थे वो भी शुरू करवा दिया AMC की तरफ से। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना और उसको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सेकेंड वेव को रोकने के लिए हमारे राज्य। पहले तो जो साइंटिफिक स्टडीज आई थी उसके हिसाब से 4 से 6 हफ्ता था, लेकिन अभी जो नई गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने इसमें रिकमेंड किया है 6 से 8 हफ्ते के बीच में, 6 to 8 weeks। तो सेकेंड डोज आप 6 to 8 weeks के बीच में कभी भी ले सकते हैं, बट नॉट लेटर देन 8 weeks, 8 हफ्ते के बाद लेना उचित नहीं है। कोविशील्ड को ही लेकर था, हमारे राज्य में सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन ही है, कोवैक्सीन वैक्सीन है, तो इसलिए ये सभी जो हमारे राज्य में सभी जितनी भी टेस्टिंग है गवर्नमेंट फैसिलिटीज में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको लेकर किसी को भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो यदि उनको इस प्रकार का बुखार आता है या फिर जुकाम होता है या फीवर के कोई भी ऐसे सिम्टम आते हैं तो उनको पास के अस्पताल में जाके टेस्ट कराना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी प्रकार से वैक्सीनेशन भी सारे गवर्नमेंट फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो हमारा इनलेट पॉइंट है जैसे खासकर एयरपोर्ट वगैरह में भी हम लोगों ने टेस्टिंग तेजी से कर दिया है, वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी भी फ्लाइट महाराष्ट्र से आ रहे हैं सभी का टेस्टिंग, और उसके अलावा जो फ्लाइट्स आ रहे हैं 10% लोगों का टेस्टिंग सभी से सेल्फ डिक्लेरेशन में, तो ये सब भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। तो आपके सवाल के जवाब में यही बताना चाहूँगा, सिम्टम आता है तो आप जाइए नियरेस्ट फैसिलिटी में अपनी टेस्टिंग कराइए। और अभी तो ऐसी सुविधा है कि सभी को जितने भी पॉजिटिव आते हैं सभी को होम आइसोलेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। यदि उनके पास होम आइसोलेशन का सुविधा नहीं है, घर में पर्याप्त कमरे नहीं हैं या फिर उनको तकलीफ ज़्यादा है, उसी केस में ही उनको एडमिट किया जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि इसको लेकर हमारे लोगों के बीच में भी, हमारे स्टेट के लोगों के बीच में भी इस चीज़ को लेकर जागरूकता रहने वगैरह। सर व्हाट इज द वेस्टेज परसेंटेज? ये हम लोग वेस्टेज में बहुत ही कंफर्टेबल है, नेशनल एवरेज अराउंड 5% है, 5% हम लोग का 2 to 3%, वी आर डूइंग वेरी वेल इन दैट। 60 years से ऊपर हमारे यहाँ टारगेट इलेक्शन डाटा के हिसाब से 3.98 lakh, जिसका हम लोगों ने 63.2 लोगों को फर्स्ट डोज दे दिया। 45 to 59 years में 7.67 lakhs, जिसको 40% लोगों को हम लोगों ने फर्स्ट डोज दे दिया। पूरे स्टेट का पॉपुलेशन अगर 37 lakh मान के चला जाए तो हम लोगों ने करीब करीब 16 to 18% लोगों को कवर कर दिया, विच इज अमंग द हाइएस्ट।